हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, सीवियर स्पेल ऑफ ड्रॉट मतलब सूखा पड़ गया है इन दी अमेजोन, कॉजेस इम्पैक्ट वार्निंग बेल्स। तो क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं। द अमेजोन रेन फॉरेस्ट इज रीलिंग अंडर अ सीवियर ड्रॉट। न्यूमरस रिवर्स वाइटल फॉर द कम्युनिटी हैव ड्राइड अप। तो बहुत सारी नदियाँ सूख गई हैं, रिजल्टिंग इन नो वाटर, फूड और मेडिसिन इन विलेज फॉर इंडिजीनियस कम्युनिटीज। द रियो नेग्रो, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर बाय डिस्चार्ज लेवल, हैज़ फॉलन टू अ रिकॉर्ड लो लेवल ऑफ 13.59 मीटर नियर द सिटी ऑफ मनाउस, ब्राजीलियन अथॉरिटी सेड ऑन द मंडे। तो यहाँ पे साफ बात है, ये रिवर भी आपकी सूख रही है। वी हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस। इट इज़ द मोस्ट वर्स्ट ड्रॉट इन हिस्ट्री। यस सेड विल्सन लीमा, द गवर्नर ऑफ अमेजॉन, अ ब्राजीलियन स्टेट कवर्ड ऑलमोस्ट एंटायरली बाय अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। तो यहाँ पे इन्होंने बोला ऐसा हमने कभी देखा नहीं है। एक सेकेंड, साफ इन्होंने बोला ऐसा हमने कभी नहीं देखा है। ठीक है, ही हैज डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ एमरजेंसी इन मोर देन 50 टाउन एंड सिटीज ऑफ अमेजोना। ठीक है, द लेटेस्ट कैलेमिटी इज अनदर एडिशन टू अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ कॉज दैट एक्सिलरेटिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ अमेजोन कॉल्ड द प्लैनेट स्लंग। द रेन फॉरेस्ट कवर्स नियरली 7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर अबाउट द एरिया ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड स्टोर मोर देन 150 बिलियन मेट्रिक टन ऑफ कार्बन। इन द पास्ट 5 डेकेड नियरली 17% एंड 20% ऑफ अमेजोन हैज़ बिन डिस्ट्रॉयड। तो 1/5 तो हम लोग देखें कि डिस्ट्रॉय हो चुका है। इट्स कंप्लीट डिस्ट्रक्शन वुड कॉज हैवॉक, एक्सेलरेटेड क्लाइमेट चेंज एंड इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ ड्रॉट एंड फ्लड अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर ये पूरा डिस्ट्रॉय होता है तो वर्ल्ड में क्लाइमेट चेंज, ड्रॉट्स, फ्लड्स ज़्यादा होंगे। वाइल्ड फायर, डेड फिश, क्या है देखते हैं। अ प्रेजेंट स्पेल ऑफ द ड्रॉट बिगेन इन जून एज अ परसिस्टेड एंड हैज परसिस्टेड। एज अ रिजल्ट वाटर लेवल्स हैव ड्रॉप्ड एंड फिश एंड रिवर डॉल्फिन्स नोन एज बोटो हैव बीन वॉशिंग अप डेड। देयर रोटिंग कारकेसेस कंटेमिनेटिंग वाटर सप्लाई इन सम एरियाज। तो वो जो उसमें सड़ रही हैं फिशेस, डॉल्फिन्स, वो वाटर को भी कंटेमिनेट कर रही है। द लैक ऑफ वाटर हैज़ ऑल्सो स्टेल्ड ऑपरेशन ऑफ अ मेजर हाइड्रो पावर डैम इन द रीजन एंड लेफ्ट टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल स्ट्रैंडेड इन रिमोट जंगल विलेज विथ लिमिटेड एक्सेस टू वाटर, फूड एंड अदर सप्लाईज। ब्राजीलियन अथॉरिटीज फियर दैट अबाउट 5 लाख पीपल मे बी अफेक्टेड ड्यू टू ड्रॉट बाय द नेक्स्ट अक्टूबर। द मतलब अगले अक्टूबर तक 5 लाख लोग और अफेक्ट होंगे। देर इज जस्ट ड्रिफ्ट नाउ वेर द रिवर यूज टू बी। रूथ मार्टिन 50, अ लीडर ऑफ बोका दो मामीरुआ, अ टाइनी रिवर साइड कम्युनिटी इन अमेजोन, टोल्ड द न्यूयॉर्क टाइम्स। द एक्सट्रीम ड्राई कंडीशन हैव मेड रेन फॉरेस्ट मोर वल्नरेबल टू वाइल्ड लाइफ। सो फार दिस मंथ अमेजोन हैज़ विटनेस 2700 ब्लेजेस, द हाइएस्ट एवर नोटेड द मंथ ऑफ अक्टूबर सिंस रिकॉर्डेड बिगैन 25 ईयर अगो। अकॉर्डिंग टू ब्राजील्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस रिसर्च, बिकॉज ऑफ स्मोक फ्रॉम वाइल्ड फायर एयर क्वालिटी इन मेनॉज हैज़ प्लमटेड टू हजार्डस लेवल। साइमल्टेनियस नेचुरल इवेंट्स, ड्रॉट अरेंट अनहर्ड ऑफ इन द अमेजोन। मोस्ट रिसेंटली द रेन फॉरेस्ट विटनेस्ड अ ड्राई स्पेल इन 2021, द वर्स्ट इन एटलीस्ट 90 ईयर्स। द लार्जेस्ट ड्रॉट इज प्रोबेबली इवन मोर सीवियर एज टू साइमल्टेनियस नेचुरल इवेंट्स हैव हिंडर्ड क्लाउड फॉर्मेशन, रिड्यूसिंग द ऑलरेडी लो रेनफॉल लेवल्स। वन ऑफ देम इज द ऑनसेट ऑफ एल नीनो, विच रिफर टू एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ सरफेस वाटर इन द इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन। द वेदर पैटर्न इज नोन टू ट्रिगर एक्सट्रीम हीट। यहाँ पे हमारे लिए एलिनो इम्पोर्टेंट हो जाता है। द अदर वेदर इवेंट इज द अनयूजल हाई वाटर टेम्परेचर इन द नॉर्दर्न ट्रॉपिकल एटलांटिक ओशन। ड्यू टू वार्मर ओशन वाटर, हीटेड एयर राइजेस टू द एटमोसफियर विच देन रीचेस द अमेजोन रेन फॉरेस्ट। द वार्म एयर इनहिबिट्स द फॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड कॉजिंग रेनफॉल टू ड्रॉप शार्पली। ठीक है, वहाँ पे पानी गर्म हो गया, ये आपका अगर मानिए साउथ अफ्रीका है इधर, अरे साउथ अफ्रीका कह रहा हूँ, साउथ अमेरिका है, यहाँ पे आपका ब्राज़ील है, यहाँ पे अमेजोन फॉरेस्ट है,
इधर में आप देखिए, ये आपका हो जा रहा है पैसिफिक ओशन, ये आपका हो जा रहा है अटलांटिक ओशन। तो आप देखिए अटलांटिक है यहाँ पे, तो यहाँ पे बात हो रही है अटलांटिक ओशन में भी पानी गर्म हो रहा है। जब ये पानी गर्म हो रहा है और यहाँ पे ये सेटल डाउन हो रहा है, तो यहाँ पे आप देखिए पानी मतलब बारिश नहीं हो रही है। सिंपल सी बात इनको बताने का यही है। अग्रिम फ्यूचर, ओवर द ईयर्स सेवरल स्टडीज हैव इंडिकेटेड दैट विथ राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर द अमेजोन विल एक्सपीरियंस लॉन्गर एंड मोर फ्रिक्वेंट ड्रॉट्स। तो अमेजोन में और ड्रॉट्स आएंगे। अ 2022 स्टडी पब्लिश्ड इन द जर्नल प्रोसीडिंग द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस सेड इफ ह्यूमंस बिगेन बर्निंग फॉसिल फ्यूल, जस्ट अ सेकेंड, बिगेन बर्निंग फॉसिल फ्यूल इन द करेंट रेट द रेन फॉरेस्ट वुड एक्सपीरियंस अ मेजर ड्रॉट 9 out of 10 ईयर बाय 2060। मतलब हर 10 साल में एक बार तो मतलब क्या लिखा है ये, वुड एक्सपीरियंस मेजर ड्रॉट 9 out of every 10 ईयर। मतलब हर 10 साल में 9 बार तो वहाँ पे मेजर ड्रॉट कंडीशन आएंगी 2060 तक, ये उनका एस्टिमेशन है। अ डिफरेंट 2022 स्टडी पब्लिश इन द जर्नल नेचर रिवील दैट द अमेजोन हैज बिकम स्लोअर एट रिकवरिंग फ्रॉम द लॉन्गर पीरियड ऑफ ड्रॉट ओवर द पास्ट 20 ईयर्स एंड इज नियरिंग द टिपिंग पॉइंट। बियॉन्ड दिस टिपिंग पॉइंट, यहाँ पे टिपिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम लश ग्रीन फॉरेस्ट इन टू एंटायर ओपन सवाना रिलीजिंग लार्जर अमाउंट ऑफ स्टोर्ड कार्बन एंड दस एग्जेबरेटिंग ग्लोबल वार्मिंग। देयर इज अर्जेंट नीड टू कर्ब डिफॉरेस्टेशन एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशन टू प्रोटेक्ट अमेजोन एंड वेयर पॉसिबल रिफॉरेस्ट एंड डिग्रेडेड स्वाथेस अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स। ठीक है, अ साइंटिस्ट एट द यूएन, इतना इन्होंने ये बात की है, लाइक डिस्टेंस वर्ल्ड बट एवरी वन ऑन अर्थ इज कनेक्टेड टू इट्स फेट, लूजिंग अमेजोन इज गोइंग टू अफेक्ट एवरीबडी शी एडेड। तो इन्होंने ये बोला है अमेजोन को लूज करना सबके लिए खतरे से खाली नहीं है। अब देख लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले हमारे लिए अमेजोन फॉरेस्ट, ठीक है। अब अमेजोन फॉरेस्ट कहाँ पर है आप देखिए, ये साउथ अमेरिका के ब्राज़ील में है, ठीक है। इसका स्टार्ट, इसका एंड, अरे इसका एक रिवर है अमेजोन रिवर, उसका स्टार्ट उसका एंड हमारे लिए मकापा में एंड होती है ये भी। अब जैसे कि आप देखिए हम लोग इसको ब्राज़ील ले लेते, अरे साउथ अमेरिका ले लेते हैं, यहाँ पे कोस्टा रिका। तो अगर इस एरिया को देखें तो ये आपका ब्राज़ील है, ठीक है। ब्राज़ील में आपका अमेजोन फॉरेस्ट है, ठीक है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे एक रिवर का नाम हमने पढ़ा रियो नेग्रो, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, रियो नेग्रो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर। तो वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इन्होंने बोला ड्रॉट इन हिस्ट्री, वर्स्ट ड्रॉट इन हिस्ट्री है ये, ठीक है। यहाँ पे इमरजेंसी का कंडीशन आ गया है, लेटेस्ट कैलेमिटी एडिशनल, ठीक है। इसका एरिया कितना है, 7 million square kilometer, अबाउट एरिया ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसका एरिया कितना है, ऑस्ट्रेलिया जितना। तो मतलब अब इतना बड़ा तो अमेजॉन फॉरेस्ट है, और ये अभी कितना, 1/5 यानी कि 17 से 20% डिस्ट्रॉय हो चुका है, ये डिस्ट्रॉय हो चुका है। और क्या बोला है, एक्सेलरेटेड क्लाइमेट चेंज होगा अगर ये कम्प्लीटली डिस्ट्रक्शन कर देगा, क्योंकि ये कार्बन सिंक ऑफ द वर्ल्ड, इसको अर्थ का लंग बोला जाता है, ठीक है। कार्बन सिंक है यहाँ पर, वो सारे फॉरेस्ट चले जाएंगे, पेड़ पौधे चले जाएंगे, क्या है ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है यहाँ पे, ठीक है, नोन एज बोटो। अब यहाँ पे देखिए फिश, रिवर, डॉल्फिन, यहाँ पे बोटो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। थर्ड हम लोग देखें बोटो क्या है, तो बोटो यहाँ की फिश है, अब देखिए फिश और डॉल्फिन हमारे लिए हो जाती है। लैक ऑफ वाटर सो कॉल्ड ऑपरेशन, मेजर हाइड्रो पावर डैम नहीं चल पा रहे हैं, ठीक है। जंगल विलेजेस में थाउजेंड्स ऑफ पीपल को फूड वाटर सप्लाई ये सब नहीं हो रहा है, ठीक है। और क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे देखिए अमेजोन हैज़ विटनेस 2700 ब्लेजेस, ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए,
2700 ब्लेजेस, ठीक है, और ठीक है, स्मोक फ्रॉम वाइल्ड फायर, एयर क्वालिटी यहाँ पे इंक्रीज, मतलब एयर क्वालिटी डिक्रीज हो रही है, पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, हजार्डियस लेवल पर जा रहा है। अब यहाँ पे क्या बताया, लार्जेस्ट ड्रॉट, ठीक है, एल नीनो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब यहीं पे आप देखिए, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे ये है, इसी बीच में ये कौन सा ओशन मैंने आपको बताया, इधर अटलांटिक ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है, तो यहीं पे एल नीनो लानीना का आपका इफेक्ट पड़ता है। एल नीनो यहाँ पर होता है तो आप देखिए, यहाँ पे पानी गर्म इकट्ठा होता है, गर्म इकट्ठा होता है तो यहाँ पे फिर बारिश नहीं होती है, तो बारिश नहीं होती है तो ड्रॉट लाइक कंडीशन बनता है, तो एल नीनो ये हो गया। और सेम अभी हमने देखा अटलांटिक में कैसे एक अनसर्टेन सा कंडीशन बन गया कि पानी गर्म हो गया तो यहाँ अभी भी बारिश नहीं हो रही, तो इसके वजह से एक्सट्रीम ड्रॉट बन गया कंडीशन वहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इसको वेदर पैटर्न है एबनॉर्मल, ये जो इधर वाला था इसको एबनॉर्मल नोट किया गया क्योंकि अभी तक वैसा देखा नहीं गया है। उसके बाद से वार्म एयर इनहिबिट्स फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, हाँ ये उसको समझाया है क्या होता है, सिंपल चीज़ आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे और मैंने आपको आइडिया दे दिया एल नीनो लानीना का। साफ यहाँ पे मान लीजिए एल नीनो जैसे यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, साफ बोला जा रहा है फॉसिल फ्यूल को मत बर्न करो, ठीक है। टिपिंग पॉइंट हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट वर्ड हो जाता है, अगर हम लोग देखें टिपिंग पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट वर्ड हो जाता है, टिपिंग पॉइंट हमारे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद से बस इतना ही है कि ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस गैसेस एस्केलेशन, एग्जेबरेटिंग ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी चीज़ें उसके ख़त्म होने से होंगी। तो हमें मेन ये चार पांच चीज़ें, रियो नेग्रो रिवर कहाँ पर है, अमेजोन कहाँ पर है, ये एल नीनो क्या है, ये एबनॉर्मल कंडीशन क्या हो रहा है, यहाँ पे गर्म पानी इकट्ठा हो रहा है, ब्राज़ील क्या है, अमेजोन फॉरेस्ट है तो अमेजोन रिवर क्या है, स्टार्ट एंड पॉइंट क्या है, मकापा में एंड होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, ब्राज़ील से स्टार्ट होती है नहीं, पेरू से स्टार्ट होती है नहीं, कहाँ से स्टार्ट होती है, अब देखिए बोलीविया से नहीं पेरू से ही स्टार्ट होती है, तो ये हो गया। बोटो क्या है, बोटो उनके फिश है, डॉल्फिन्स है, ठीक है, 1/5 अभी डिस्ट्रॉय हो चुका है, पूरा 100% डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो जब लंग्स ख़त्म हो जाएंगे तो अर्थ कैसे रहेगा, बस यही सारी चीज़ें थी। सो थैंक यू गाइस, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।